नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि सीजी स्कूल पोर्टल .in के माध्यम से हम शिक्षक विवरण कैसे भरें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि सीजी स्कूल पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी आप भरोगे वो आपके लिए हमेशा सुरक्षित रहेगा, और इसी के माध्यम से आगे चलकर आपका प्रमोशन लिस्ट या वेतन आहरण भी जारी हो सकता है। तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको भरना है। ध्यान दीजिएगा, इसको भरते समय आपको अपने सर्विस से संबंधित बहुत सारी जानकारी मांगी जाएगी, तो आप लोग पहले वो जानकारी इकट्ठा कर लें, और ये जानकारी आपको टीम्स टी के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है जो आपके मोबाइल में है, या फिर आपके पास सर्विस बुक का 2 कॉपी होगा उसके आधार पर भी आप इसमें जानकारी भर सकते हैं। याद रखिए, इसमें कुछ सामान्य जानकारी ही मांगी गई है जिसको आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके ही देखिएगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो एवं एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सीजी स्कूल पोर्टल में जाना है। दोस्तों, जैसे ही सीजी स्कूल पोर्टल को आप ओपन करते हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना रहता है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहां पर अपना पासवर्ड डाल देंगे, यहां पर पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर मेन्यू होम और यहां पर नीचे कुछ लिखा हुआ है, यहां पर आपको जानकारी नहीं भरनी है, आपको जानकारी लॉगिन करने के बाद भरनी है। तो आइए हम लॉगिन करते हैं। ये देखिए, लॉगिन करने के बाद यहां पर कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। चूंकि मैं एक संकुल समन्वयक हूं तो मेरे मोबाइल में इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपके मोबाइल में शिक्षक का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहां पर शिक्षक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही शिक्षक वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहां पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसे मैं जूम कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर आपको कुछ जानकारियां भरनी होगी। तो ये वाला जो कॉलम दिख रहा है, शिक्षक संबंधी विवरण, हमें इसे क्या करना है, क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहां पर मैं कुछ जानकारी बता देता हूं। यदि आपका नया जो टीचर कोड है, शिक्षक आईडी जो है, उससे एंट्री नहीं हो पा रहा है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आपको अपना पुराना टीचर कोड प्रविष्ट करना है जिससे आपका एंट्री हो जाएगा। तो आपका नया जो कर्मचारी कोड है वो एक्सेप्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप पुराना डाल सकते हैं। तो मेरा नया कर्मचारी कोड को एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पर सबसे पहले आप लोग अपना फोटो डाल सकते हैं। ये देखिए, यहां पर आपको 500 केबी तक का फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए चूज फाइल लिखा हुआ है, इस चूज फाइल को हम क्लिक करते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है 500 केबी तक का फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं चूज फाइल को क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए मेरा फाइल खुल जाएगा। तो यहां से मैं कोई भी अपना फोटो अपलोड कर सकता हूं, तो मैं ये वाला फोटो अपलोड कर देता हूं। अब यहां पर अपलोड को क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए अपलोड सक्सेसफुली लिखा है, मतलब हमारा फोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ये देखिए हमारा फोटो अपलोड हो गया है। अब हमें पुनः वापस जाना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको यहां पर मेनू को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहां मेनू को क्लिक करेंगे। मेन्यू को क्लिक करने के बाद यहां पर आपको शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है। शिक्षक के कार्य को क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए शिक्षक संबंधी विवरण खुलता है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपको पुनः उसी पेज में ले आएगा। ये देखिए हमारा फोटो अपलोड हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर कुछ नाम लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, यदि कोई भी त्रुटि हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो मेरा नाम तो सही है। यहां पर आप अपना ईमेल आईडी लिख लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको बहुत सारी जानकारी इस ईमेल के माध्यम से मिल सके। तो यहां पर मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूं। ईमेल आईडी लिखने के बाद आप यहां पर नीचे देखिए, यहां पर लिखा है पिता का नाम या पति का नाम। तो याद रखिए, यदि आपके पिताजी का नाम है तो आप पिताजी पर क्लिक करेंगे। यदि आप एक शिक्षिका हैं तो यहां पर आप अपने पति का नाम क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर पति को क्लिक कर सकते हैं। चूंकि मेरे पिताजी हैं तो मैं यहां पर पिताजी वाला को क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए यहां पर माताजी के नाम को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं माताजी का नाम लिख देता हूं।
उसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारियाँ जो है उसे आप लोग देख लीजिएगा तो सही है। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जाति है, ये सब लिखा हुआ है, इसको आप लोग को कुछ करना नहीं है। यदि गलत हो तो आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उप जाति चयन करें तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हल्के से काले कलर में रहता है, वो सिलेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आपको शिक्षा विभाग ई समर्ग लिखा है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप जिस समर्ग में आते हो, जैसे हम लोग शिक्षा विभाग लोकल बॉडी ई समर्ग में आते हैं, सम्मिलन हो गया है तो ध्यान दीजिएगा आपका सम्मिलन नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इतने सारे कॉलम दिए हैं, इनमें से आप जो हैं उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर शिक्षा विभाग लोकल बॉडी ई समर्ग को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नियुक्त पद का चयन करना है तो आप किस पद पे हो इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो पद दिया हुआ है उसके आधार पर आप इसको क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए शिक्षक को क्लिक कर देता हूँ। अगर आप प्राथमिक विद्यालय के हैं तो सहायक शिक्षक लिखिएगा, और यदि आप हाई स्कूल में हैं तो व्याख्याता लिखिएगा। उसके बाद देखिए नियुक्ति की प्रकार, तो नियुक्ति के प्रकार में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रमोशन तो हुआ था लेकिन प्रमोशन के बाद हमारा सम्मिलन हुआ है। ध्यान दीजिएगा आपका केवल प्रमोशन हुआ है और सम्मिलन नहीं हुआ है, तो प्रमोशन में क्लिक करेंगे। आपका प्रमोशन के बाद सम्मिलन हो चुका है तो आप सम्मिलन को करेंगे, है ना। उसके बाद जो भी कॉलम दिया हुआ है, जो कॉलम आपके लिए उपयुक्त हो उस कॉलम को क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। तो मैं यहां पर सम्मिलन को क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपका प्रथम नियुक्ति दिनांक लिखा हुआ है तो ये तो सही है, आगे चलते हैं। ये देखिए प्रथम नियुक्ति दिनांक मेरा सही लिखा हुआ है। वर्तमान स्कूल में पदस्थापना की तिथि ये नहीं लिखा है तो इसको हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं। पहले यहां पर देखिए ऊपर में सन लिखा हुआ है, उस सन को आपको पहले क्लिक करना है इसको। उसके बाद जिस सन में आपने पदभार ग्रहण किया था उस सन को आप क्लिक करिए, तो मैं यहाँ पर 2016 क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद महीना को क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखो माह को आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमें अगस्त में ले जाना है तो ये हो गया अगस्त। उसके बाद हमें वो डेट डालना है तो ये हो जाएगा 5 अगस्त, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर सेट को क्लिक कर दूंगा, ये देखिए। तो ये हो गया वर्तमान स्कूल में पदस्थापना की तिथि। अंतिम पदोन्नति की तिथि, तो पदोन्नति तिथि जिस दिन आपका पदोन्नति होता है, जिस तिथि को, जिस दिन आदेश जारी हुआ है उस तिथि को आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पुनः 2016 चयन कर लेता हूँ, और 2 अगस्त को हुआ था, यहाँ पर हम पुनः महीना माह को अगस्त में ले आते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद 2 अगस्त, उसके बाद इसको सेट कर देंगे। अब वर्तमान पद तो यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी लिखा हो उसके आधार पर, तो हमारा तो शिक्षक ही है। उसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, आपकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जो है उसको आप लोग लिखिएगा। तो मेरा MSc है तो मैं MSc लिखूंगा यहाँ पर। ये देखिए MSc लिखा हुआ है, तो आपने MSc जिस सब्जेक्ट में किया है, जैसे मैंने MSc फिजिक्स में किया हुआ है तो मैं यहाँ पर MSc फिजिक्स लिखता हूँ। उसके बाद उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, यहाँ पर आप BEd DEd जो भी है, तो मैंने DEd किया हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ। उसके बाद विकलांगता का प्रकार यदि हो तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, नहीं तो आप नहीं चयन कर सकते हैं, लागू नहीं है, यहाँ पर लागू नहीं कर देते हैं। उसके बाद CWSN के लिए प्रशिक्षित, तो क्या आपने प्रशिक्षण लिया है, यदि हाँ तो यहाँ पर हाँ करेंगे, और नहीं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर और शिक्षण के उपयोग में प्रशिक्षित, हाँ तो यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड को क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं क्लिक करके देखता हूँ। ये देखो जैसे ही हमने मैरिड को क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है क्या आपके पति या पत्नी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। जैसे ही यदि आप यस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे हम यस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, है ना। तो उसकी जानकारी हमको यहाँ पर भरना है। यदि आपके पति जो है सर्विस में है तो आप यहाँ पर अपने पति के बारे में जानकारी भरेंगे। यदि आपकी पत्नी जो है सर्विस में है तो यहाँ पर आप अपने पत्नी के सर्विस के संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर क्या करेंगे, भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ कॉलम दिया है जिसको मैं बता देता हूँ। यदि आपके पति या पत्नी
सर्विस में है तो उसके लिए क्या क्या जानकारी आपको भरना है। तो सबसे पहले लिखा है, क्योंकि इसकी जानकारी को आप पहले से इकट्ठा करके रखेंगे तभी तो आसानी से भर पाएंगे ना, तो इसमें लिखा है शासकीय सेवा का प्रकार भर देंगे, पोस्टिंग की जगह के बारे में भरना है, विभाग का नाम भरना है कौन से विभाग में हुआ है, उसके बाद पति या पत्नी का नाम लिखना है, कर्मचारी कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अन्य विभाग का नाम लिखना है यदि वो अन्य विभाग में सर्विस में है तो, यहाँ पर किस पद में कार्यरत है वो लिखना है, फिर जिले का नाम भी लिखना है कि कौन से जिले में कार्यरत है, विकासखंड का नाम लिखना है, चयन कर लेना है, और नियुक्ति का स्थान भी आपको क्या करना है यहाँ से चयन कर लेना है। इधर भी कुछ लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। क्योंकि मेरी पत्नी जो है सर्विस में नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगा, जैसे ही हम नो को क्लिक करते हैं तो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन खुलता है, और यदि आपकी पत्नी या पति सर्विस में है तो आप यस करेंगे, यस करने के बाद उतने कालम को भरने के बाद ही आप फाइनल सबमिट करेंगे। एक बार इसको आप पुनः चेक भी कर सकते हैं, तो मैंने बिल्कुल सही जानकारी भरा है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फाइनल सबमिशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइनल सबमिशन कर दिया, ये देखिए सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, इसको हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से अपने शिक्षक जानकारी को भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक शिक्षक जानकारी को भरना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।